नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजी। और मैं हूं आपके साथ दिव्य तिवारी। अब इंतजार 11 फरवरी का है क्योंकि जिस दिन मतदान होगा चुनावी शोर थम चुका है और अब मतदान का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक मतदाताओं ने डिसाइड कर लिया होगा कि किसको मतदान करना है। ऐसे में आज ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन सीटों पर किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं, तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो आपको बताएं, पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में आज लाउड स्पीकर का शोर थम गया, प्रचार का शोर 5 बजे थम गया। लगभग 36 घंटे बाद अब 73 सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और जानकार बताते हैं कि वेस्ट यूपी लखनऊ का गेटवे है और ऐसे में ये चरण बेहद अहम है। तो पश्चिमी यूपी के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम गया और प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो पहले चरण में 11 फरवरी को 15 जिलों के 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज जिले शामिल हैं। तो कई सारे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे और इसके अलावा जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके अपने मुद्दे। हालांकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, तो उसके बाद अब उसी नजरिए से वो अपनी बातें रख रहे हैं लोगों के बीच। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की हवा भी कहीं ना कहीं माहौल पर असर जरूर डालती है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने में अब 38 घंटे से भी कम वक्त बचा है और 11 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में वेस्ट यूपी की 73 सीटों पर दांव है और ये चरण इस पूरे चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। क्यों अहम है, इसकी तफसील से जानकारी आपको देते हैं। कई सारे कारण हैं इसके पीछे। ये इलाका अमूमन सत्ता का रुख तय करता है। 2012 में एसपी को यहां से सबसे ज्यादा 24 सीटें मिली थी और लखनऊ में सरकार उसी ने बनाई थी और इसका ठीक उल्टा हुआ था 2007 में जब बीएसपी को ज्यादा सीटें मिली थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें यहां से जीती थी। और एसपी कांग्रेस गठबंधन पर पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। इस बार यहां ज्यादातर जिलों में 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुसलमान वोट इस चुनाव में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है। वो पहले चरण से बाकी चरणों के लिए भी मुस्लिम वोटरों का रुझान पता चलेगा, इसलिए भी इस पर सबकी नजर है। इस इलाके में माया के दलित मुस्लिम समीकरण का टेस्ट होना है। रेस में बने रहने के लिए बीजेपी के लिए यहां जीत हासिल करना बेहद जरूरी है और पहले चरण में बनी हवा आने वाले चरणों का रुख तय करती है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सुरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और आरएलडी नेता अनिल दुबे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुरेश पांडे जी, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरह से शाह इमाम ने अब ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट ना दें, बीएसपी समाजवादी पार्टी से लाख गुना बेहतर है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इमाम साहब इमामियत करें, राजनीति न करें। उनका स्वार्थ जहाँ पूरा होता है वहाँ वो राजनीति करने लगते हैं, जहाँ उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो फतवा जारी करते हैं। उनके फतवे की परवाह कौन करता है? क्या मुसलमान उनसे बंधा हुआ है? फतवा जारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कहें वो हर मुसलमान आपकी बात माने। मैं बहुत सीधी सीधी, बहुत साफ साफ उनके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। वो मुलायम सिंह के भी पक्ष में रहे, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यही तो बात है जो आप कह रहे हैं कि स्वार्थ की बात है यहाँ पर, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथू। यानी जब आपके पक्ष में थे तो बेहद अच्छी बात है, उनसे आप भी मिले हुए थे, उनकी सलाहियत थी आपके साथ। अब जब वो कह रहे हैं कि बीएसपी समाजवादी पार्टी से लाख गुना बेहतर है, तो आप भी उन्हें खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं है। तो ये तो आपकी तरफ से भी जारी है स्वार्थ की बातें।
नहीं, मैं खरी खोटी नहीं सुना रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं खरी खोटी नहीं सुना हूँ, मुझे कहने तो दीजिए, मैं खरी खोटी नहीं सुना रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ वो इमामियत करें, जो उनका काम है वो काम करें। राजनीति में वो लड्डू खाना चाहते दोनों हाथ से तो ऐसा नहीं होता। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे जो पार्टी के मुखिया है, सबसे बड़े मुखिया मुलायम सिंह ने, कभी उनका अनादर नहीं किया, उनकी बात मानी, उन्होंने जैसा जैसा चाहा, जिस जिस तरीके से चाहा, इसलिए नहीं किया कि हमारी पार्टी को उनसे कोई लाभ हो या कोई स्वार्थ हो, इसलिए कि उनके संबंध पुराने हैं। संबंधों का निर्वाह समाजवादी पार्टी के अलावा मैं समझता हूं कोई नहीं निभा सकता और न किसी ने निभाया है। मैं यहां पर फिर कहना चाहता हूं, उन्होंने जो फतवा जारी किया है उसकी, उनके फतवे का कोई असर उनके समाज पे नहीं होगा। सुरेश जी बने रहिए, मैं साथ में लौटूंगी आपके पास, लेकिन इमाम बुखारी ने क्या कुछ कहा था पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। जी, और जो वादे आपने किए अपने मैनिफेस्टो में, जो वादे आपने हमसे किए हैं, जो वादे उत्तर प्रदेश के आवाम से, मुसलमानों से किए हैं, उन वादों को आप पूरा कीजिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज उत्तर प्रदेश का आवाम मुफलिसी और बदहाली का शिकार है, तो किस बुनियाद पर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाए? जब हमारे वोट लेने की बात आती है, हमारी सपोर्ट लेने की बात आती है, तो इनको मुसलमान याद आता है, तो उनको मुसलमान याद आता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो देने के लिए समाजवादी के पास कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो फरेब किया है, जो धोखा दिया है मुसलमानों को, इस बुनियाद पर हमने ये तय किया कि हम समाजवादी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले इलेक्शन में, पैराचरण 11 तारीख को होने वाला है, मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो BSP को वोट दें, ताकि हम एक अच्छी सरकार यहां पर ला सकें। और हमारे साथ RLD नेता अनिल दुबे जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, आप लोगों ने भी काफी कोशिश की जाट वोटरों को और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की, लेकिन चुनाव के एन वक्त से पहले, जब ये शोर थमा उससे पहले, शाही इमाम का ऐसे साथ दे देना, कहीं टेंशन में तो नहीं दिख रही RLD? सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किसी एक पार्टी के लिए अपील की, जिस पार्टी के लिए अपील की 2007 में, उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के साथ किस तरह काम किया है, किस तरह उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और स्थापित हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अगर उन्होंने कोई चीज़ अपील करने के से पहले, फतवा करने से पहले, अगर उत्तर प्रदेश की जनता का मन भी देख लिया होता कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, और खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मतदान होने जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वहां पर किसान और अल्पसंख्यक, ये एकजुट हुआ है, क्योंकि इनको एकजुट करने का काम हमारी पार्टी के नेता अजीत सिंह जी ने, खासतौर पर अनिल जी, श्री जैन चौधरी जी कहते हैं, लेकिन 2012 के बाद जिस तरह से दंगों का माहौल बना, उसमें ये कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम एक साथ नहीं आ सकते, ये व्यावहारिक तकाजा है जो अनुमान जताया जा रहा है। आप जिस बिना पर कह रहे हैं, अजीत ऐसी बात नहीं है जी, अजीत ऐसी बात नहीं है जी। अगर आप आज आप अपनी रिकॉर्डिंग उठा के देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभाओं को उठा करके देखिए कि चौधरी अजीत सिंह की और जैन चौधरी की सभाओं में जिस तरह से अल्पसंख्यक आ रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि अगर कोई सद्भाव की बात कर रहा है तो वो जैन चौधरी जैसा चेहरा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके दोनों वर्गों को मिलाने का काम जिसने किया, और उसका परिणाम सामने आया। बड़ौत की सभा उठा करके देख लीजिए किस तरह वहां अल्पसंख्यक था और किस तरह बहुसंख्यक था, दोनों वर्ग के लोग भाईचारे के साथ मिलकर के इकट्ठा है, और राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत बन के उभरा है, और उसका कारण, उसका भय भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद यात्रा का कार्यक्रम बनाना पड़ा, उनके देश के प्रधानमंत्री को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आपके पास फिर जाने की कोशिश करेंगे अनिल जी, कि जिस जाट मतदाताओं के भरोसे RLD है, जाट मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश अंतिम वक्त सारे आश्वासन दिए गए हैं, हम इस पर चर्चा पर लौटेंगे। हमारे साथ हम आते हैं, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं।
अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आप मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर भी बने हुए हैं, जरा वहां के समीकरण से हमें रूबरू कराइए, किस तरीके का माहौल दिख रहा है इस वक्त वहां? देखिए, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है और ये बीजेपी के बाहुल्य सीट पाई जाती है कि सांसद यहाँ पर थे, बीजेपी के सांसद यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से आरएलडी के वोटरों को या आरएलडी पार्टी को बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, अन्य और पार्टियों ने नकार दिया था, वही जाट आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, वही आरएलडी का वोट बैंक सबसे बड़ा सिरदर्द है। और इसी को लेकर बीजेपी का खेमा जो है परेशान है, बीजेपी के बड़े नेता परेशान है और वो ये लगातार सोच रहे हैं कि हमें बीजेपी आरएलडी का जो वोटर है वो हमें कहां नुकसान पहुंचा रहा है, उसी को लेकर लगातार ये मीटिंग कर रहे हैं, लगातार कोशिश जारी है कि किस तरह से आरएलडी को सांसद जो लोकसभा के चुनाव थे, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हमको वोट किया गया था। नहीं, ग्राम गारंटी क्या है? बीजेपी जो दावा कर रही है, जिस तरह से कह रही है कि आप जाट वोटर्स को उसने लुभा लिया है, अपने पक्ष में ले आए हैं वो बहुत सारे आश्वासन देकर, भरोसे देकर, और जाट नेताओं से ये कहा गया है कि वो जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए, क्या इस तरह की बातें दिख रही हैं? देखिए, जिस तरह से बात की जा रही है कि जाट महासभा के नेताओं से बात इन्होंने की है, लेकिन जाट महासभा के नेताओं के कहने पर जाट वोटर इस बार कटने वाला नहीं है, उनका लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हम लगातार घूम रहे हैं, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो लगातार हम यहाँ घूम रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट हारे या जीते, लेकिन हम वोट अपने चौधरी अजीत सिंह को दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम पर दे रहे हैं और हम आरएलडी को वोट देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका अंकित इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और शामली जिले के कैराना में पलायन का मुद्दा पिछले साल काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन पलायन के अलावा कैराना की कई बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लड़कियों की सुरक्षा इनमें से एक है और हर बार चुनाव में लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने की बात जरूर होती है, लेकिन आपको बताया कि हालात कभी बदलते नहीं। कैराना में ग्राउंड जीरो से इंडिया 24/7 रिपोर्टर सबा वकील की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर कैराना, शामली जिले में एक ऐसा कस्बा जो पिछले साल उस समय सुर्खियों में आ गया जब पलायन का मुद्दा उठाया गया। कैराना में लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है। यहाँ की लड़कियों को अकेले आना जाना तक में प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ कुछ ऐसी लड़कियां मौजूद हैं स्कूल की, आर्या इंटर कॉलेज स्कूल की, हम उनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत वो काम हुआ है कि हमारे पीछा करते हैं लड़का आते हुए भी और कॉलेज के जाते हुए भी, कॉलेज से जाती गेट पे मिलते हैं और घर से जो चलते हैं तो गेट पे छूटते ही हैं। अच्छा, तो मतलब पीछा करते, कभी शिकायत करी है इन सब मामलों में? 2 दिन तक तो जैसे मैंने पीछा किया तो मैंने कुछ नहीं किया, तो तीसरे दिन जैसे मैं कहा तो उसने साफ करके ये कहा कि उसने मुझे। कभी घर पे शिकायत करी है इस बारे में? हमने अपने जिस मैम। क्या बोला घर वालों ने? घर वालों ने फिर जो ये बोला कि जब ऐसा अच्छा माहौल है तो हम नहीं पढ़ाएंगे घर पे स्कूल में, तो आगे से पढ़ाई नहीं करवाएंगे? मैम 10वीं क्लास हो के रखी है, वैसे उन्होंने क्यों कंपलसरी करा सकते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं भी है तो कम से कम करा दो कि पढ़ाई इतनी है। गुंडों की गुंडागर्दी की वजह से यहाँ स्कूल की बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। ऐसी और भी कई लड़कियाँ हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बेटा आ गया हो आप? आपका नाम? दीपाशा। दीपाशा, दीपाशा कौन सी क्लास में है? नाइन्थ में है। बड़े हो को क्या बनना है? मुझे डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? और पढ़ाई कहाँ करनी है? यहाँ पे करनी है, यहीं पे पढ़ाई करनी है। तो जब स्कूल आते हो तो कैसे आते हो? पापा छोड़ने आते हैं। अकेले क्यों नहीं आते हो? अकेले, कभी लड़के पीछा हुए, कभी नंबर मांगे, ऐसे ऐसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि कहानी एक घर की नहीं है, हर घर में, चाहे नाम कुछ भी हो, हर घर में वही परेशानी है। गुंडागर्दी की वजह से यहाँ लड़कियाँ अपनी शिक्षा तक से, शिक्षा को छोड़ने को मजबूर हो गई। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुरेश पांडे जी लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी, महिला सुरक्षा का मुद्दा हर बार के चुनाव में उठाया जाता है, इस बार के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा था, लेकिन काम उस पर कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत कहीं नजर नहीं आती? ऐसा कहने से नहीं होता, जहां जहां शिकायतें मिलती हैं वहां जांचें बैठाई गई और जो जिम्मेवार हुआ उसको सजा मिली। ये कहना कि काम नहीं होता, ये कहना कि उस पर अमल नहीं होता, ये कहना कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऐसी बात नहीं है। जो प्रशासन में अगर दोषी है तो प्रशासन के ऊपर भी इसका उदाहरण है कि प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके ऊपर जुर्माना हुआ, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की गई। बातें ज़रूर इस बात की हैं
कि महिलाओं को सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और इसमें हमारी सरकार ने क्या नहीं किया, इतनी 100 किया, सारी चीज़ें उन्होंने अपने अपने जो वादे किए, वादे योजनाएं अच्छी लगती हैं सरकार, योजनाएं अच्छी लगती हैं, लोग आशान्वित भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसकी स्थिति उस तरह से, उसका परिणाम उस तरह से निकलता दिखता नहीं है। और जो हमने रिपोर्ट दिखाई आपको, कई जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं जहां छेड़खानी की बातें या फिर तंग करने की बातें आती हैं, लड़कियां घरों से नहीं निकलती हैं। आपने जो दिखाया, तो शासन पर इस बात का तो ये भरोसा होना चाहिए ना कि वो इस तरह का माहौल प्रोवाइड कराए। बहरहाल हम लौटेंगे फिर आपके पास। हमारे साथ संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। शामली से हमारे साथ हैं श्रवण, हमारे संवाददाता। शामली के समीकरण क्या है और इस बार किस तरह से मुद्दे जनता के बीच में हैं अलग अलग दलों के, शामली में? श्रवण जी, बिल्कुल, जिस तरीके से परसों चुनाव होने, वोटिंग होने वाली है और उसमें जनता को सबसे अहम सुरक्षा का मुद्दा है, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने प्लान किया था उनको देखते हुए भी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, लेकिन सभी लोगों की मांग है कि विकास हो और विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था की जाए और अच्छे से जो योजनाएं सरकार बनाती है वो हम तक नहीं पहुंचती। उनका ये भी आरोप है कि एक ईमानदार व्यक्ति उनका प्रतिनिधि करे और जिस तरीके से प्रतिनिधि करेगा तो जाहिर सी बात है उनको रोजगार भी मिलेगा, लेकिन अब ध्रुवीकरण भी वोटों का हो रहा है और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण वोटों का होगा इसमें बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। और जहां अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गढ़ बताया जाता है उनके प्रत्याशी भी काफी उभर कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो लगातार हर पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसी के पक्ष में माहौल बन रहा है, लेकिन 11 तारीख का इंतजार है क्योंकि उसके बाद ही जो रुझान आने शुरू होंगे तभी साफ हो पाएगा कि किस तरीके का माहौल वहां देखा गया है।